अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मैं इस वक्त मक्का शरीफ में मौजूद हूं और यहां पे मैं आपको डिस्टेंस दिखा रहा हूं इमार अल खलील होटल से हरम शरीफ तक का। तो जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग्स की होती हैं तो उनको ये मालूम नहीं होता है एग्जैक्टली कि ये कितना सफ़र है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है, आप टाइमिंग देख सकते हैं, स्टार्ट हो गई है स्क्रीन पे। तो जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है। तो अभी मैं हरम शरीफ की तरफ चल के जा रहा हूँ, तो आप मुझे देखते रहें आराम से। और यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना टाइम लगेगा हमें हरम शरीफ तक पहुँचने में। ठीक है, रास्ते में ये सारा, ये इब्राहिम खलील रोड है, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं। ये अल ताज अल रकी होटल है, ये सामने आपको, ये भी ईमार का होटल है, ईमार एंडलुशिया होटल। उसके अलावा ये अरीज अल वफा है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। ये अभी मगरिब का टाइम होने वाला है तो हम चल के जा रहे हैं, तो ये आपको इसलिए रश नज़र आ रहा है। ये हम इब्राहिम खलील रोड पे चल रहे हैं और हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं।
شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. जी दोस्तों, हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नज़दीक पहुंच गए हैं। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये हरम शरीफ के गेट्स हैं। और ये पीछे एक होटल गुजरा, इमार अल सुल्तान, तो ये भी बिल्कुल नज़दीक है। बट ये थोड़ी हालत इसकी मुझे ठीक नहीं लग रही बाहर से। अंदर तो खैर मैंने नहीं देखा अंदर से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। एक्चुअली डिस्टेंस के हिसाब से ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल करीब है ना, बिल्कुल ऐसे कुछ 2 से 3 मिनट में आप वॉक करके आप इजीली हरम पाक में जा सकते हैं। तो ये भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। एक्चुअली हम जब अगोडा और बुकिंग डॉट में चेक करते हैं, तो उसमें मोस्टली हमें यही होटल जो है ना, वो नज़र आता है अच्छी रेटिंग में, इमार अल खलील। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये मुझे वीडियो बनानी चाहिए, कि आपको एग्जैक्ट पता चले कि यहाँ पे, अब यहाँ से अगर डिस्टेंस जो है वो पैदल चलेंगे तो वो कितना रहेगा, कितने मिनट्स में आप पहुँच सकते हैं हरम पाक के अंदर। तो अभी आप देख सकते रहेंगे, काफ़ी रश हो रहा है। एक्चुअली अभी 15-20 मिनट के बाद मगरिब की अजान होने वाली है। ये यहाँ से हदूद स्टार्ट हो गई है हरम पाक की। ये आगे ये ऊपर जाएंगे, यहाँ पे तो आपको वॉशरूम्स वगैरह मिलेंगे। आप वॉशरूम के बाद वज़ू करें, उसके बाद आगे हरम पाक के सहन में एंटर हो जाए। तो हमने तो होटल से रिफ्रेशमेंट करके वज़ू वगैरह किया, तो इसलिए हम यहाँ से ये साइड से जा रहे हैं। ये सीधा वो आपको नज़र आ रहा है सामने, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए। ये हरम पाक के गेट्स नज़र आ रहे हैं, हम वहाँ तक वीडियो बनाएंगे और वहाँ से फिर एंटर हो जाएंगे अंदर। मज़ीद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इमार अल खलील की बिल्डिंग और उसके अंदर जाके एक रूम का रिव्यू करेंगे हम। उसमें आपको दिखा देंगे कि कितना रूम का साइज़ होता है, और यहाँ पे इमार अल खलील की प्राइस जो है वो यहाँ पे कितनी चार्ज करते हैं, और अगर हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उसमें कितनी चार्ज करते हैं। माशाल्लाह जाज कर हम जा रहे हैं मस्जिद हरम में, हम भी जा रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में बुलाए और यहाँ पे आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमामीन या रब्बुल आलमीन। बहुत ही मज़े की जगह है, सुकून की जगह है, आपके दिल को इतना सुकून आएगा यहाँ पे आके
कि आप सोच भी नहीं सकते। ये यहाँ पे ये सिम्स बेच रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। ये मार्केट है यहाँ की, जो हरमपा के नज़दीक की मार्केट है उसकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा है। वो यहाँ पे अब नमाज़ पढ़ के बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे स्टॉल्स लग जाते हैं नीचे ज़मीन पे, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। और ये सामने आ गया, वो सामने आपको स्क्रीन पे 79 गेट लिखा नज़र आएगा, तो ये अंदर जाने का रास्ता है 79 गेट। गेट माशाल्लाह बहुत है यहाँ पे, बट हर साइड से अलग अलग गेट है अंदर जाने का। तो आप इब्राहिम खलील रोड से आएंगे तो यहाँ को अंदर आने के लिए आपको 79 गेट यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपने अहराम पहना हुआ है तो। अगर अहराम नहीं पहना हुआ तो वो आपको 74 गेट से अंदर एंटर होंगे, जो ऊपर सेकंड फ्लोर में उसका रास्ता है। तो आप उधर अपना तवाफ़ करें और अपनी नमाज अदा करें, फिर उधर से वापस आ जाएं। अगर आपने अहराम पहना हुआ तो आप बिल्कुल काबा के सेहन में जा सकते हैं। ये हम पहुंच गए, ये सामने आपको गेट 79 नज़र आ रहा है। तो अभी मेरी वीडियो को तकरीबन 12 मिनट होने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली मेरे साथ फैमिली है तो मैं थोड़ा स्लो भी आया हूँ, इसलिए अगर मैं अकेला होता तो मे बी मैं कुछ 7 से 8 मिनट में पहुँच जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं। ये देखें यहाँ पे चेकिंग होती है आपका, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको देख के ही आपका परमिट चेक करेंगे, उमरा परमिट, और फिर आपको अंदर एंटर होने देंगे। तो अगर आपने अहराम नहीं पहना हुआ तो यहाँ पे आपको रोक लिया जाएगा और वो बोलेंगे नेक्स्ट गेट से जाओ अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए यहाँ पे 79 गेट में, अभी अंदर जाके अपने इबादत वगैरह शुरू करेंगे और अपने दिल को सुकून देंगे। बस यहाँ हमारा आज का सफ़र यहाँ तक का था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।